हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मुस्कान जलरेजा है। मैं डेंटिस्ट हूँ, 14 सालों से यहाँ पे नगर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं आपको सबसे कॉमन ट्रीटमेंट जो देखा जाता है या किया जाता है, दैट इज़ रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जहाँ पहले कीड़ा बहुत ज़्यादा डीप गया और दर्द होता था तो हम लोग सीधा दांत निकालने का सोचते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब हम दांत बचाने का कोशिश करते हैं और दांत बचाने के ट्रीटमेंट को ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये ट्रीटमेंट 12 साल के बच्चों से लेके तो 60 ईयर्स ऑफ एज तक कॉमन है, बिकॉज परमानेंट मोलस पक्की दाढ़ी आपको 12 साल में आ जाती है। अगर तब भी आपका दांत गिरता है और डीप जाता है तो आप निकाल नहीं सकते, उसको हम लोग अभी नया ऑप्शन देते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। आज मैं आपको क्लियर उसके बेसिक्स बताती हूँ ताकि आपको उस ट्रीटमेंट के बारे में भी समझे और आपका डर निकल जाए। ओके, बेसिक से शुरू करते हैं कि दांत होता कैसे है। हमारे दांत में सबसे ऊपर वाली लेयर रहती है वाइट, जिसको हम लोग इनेमल या क्राउन बोलते हैं। उसके बाद रहती है येल्लो और उसके बाद आती है नर्व्स। जब आपका कीड़ा ये नर्व तक जाता है तो उसका फिर इन्फेक्शन इस तरीके से जड़ों के नीचे जमा होता है और फिर हमको दर्द होता है। इसको हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बचा सकते हैं। आइदर आपके पास दांत निकालने का ऑप्शन है, बचाने की ट्रीटमेंट को हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। ओके, रूट कैनाल में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जड़ों तक जाके दांत साफ करते हैं। ठीक है, रूट्स मतलब जड़ें और कैनाल मतलब अंदर की नर्व्स। इस ट्रीटमेंट को नॉर्मली हम लोग 2 स्टेप या 3 स्टेप पे करते हैं। पहले हम आपको टैबलेट्स देते हैं ताकि जब आप ट्रीटमेंट के लिए आओ तो इंजेक्शन का असर अच्छे से हो और आपको बिल्कुल दर्द नहीं हो। ठीक है, फर्स्ट विजिट पे हम लोग इंजेक्शन देके थोड़ा सा दांत को सुला देते हैं और फिर इस तरीके से फाइल्स डाल के हम लोग पूरा दांत क्लीन कर देते हैं। पूरा अच्छे से क्लीन होने के बाद हम लोग उसमें वापस से नीचे थोड़ी सी दवाई भर देते हैं और आपको सीमेंट लगा देते हैं और आपको नेक्स्ट डे तक टैबलेट रहती है। अब हमने क्या किया, पूरा नीचे का इन्फेक्शन ही निकाल दिया, तो सेकेंड डे से आप अच्छे से वहाँ से खा सकते हो। हम 2-3 दिन खाने के लिए बोलते हैं ताकि आप श्योर हो जाओ कि अब वो दर्द बिल्कुल नहीं है। सेकेंड विजिट में जब आप आते हो तो अपन ने जो यहाँ सीमेंट भरी थी उसको निकालते हैं। लास्ट टाइम हमने नर्व्स क्लीन किए थे, वो रूट्स खाली है, सेकेंड विजिट में हम उनको फिल कर देते हैं। गट्टा पर्चा पॉइंट्स ये हमारा फिलिंग मटेरियल रहता है जिसमें हम लोग जड़ों को भर देते हैं। ये फिलिंग मटेरियल लाइफ लॉन्ग चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बाद में आपको एसिडिटी होती है या आप ठंडा खाते हो गर्म खाते हो, इस मटेरियल में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, इसको अच्छे से भर के सील किया जाता है और जहाँ हमने पहले सीमेंट भरा था अब हम वहाँ पे चांदी भर देते हैं। मतलब हमने अंदर भी दांत को पूरा पैक कर दिया और ऊपर भी हमने दांत को पैक कर दिया। ओके, अब ये नीचे का दांत है इसलिए आपको 2 रूट्स दिख रहे हैं, ऊपर वाले दांत पे 3 रूट्स रहती हैं, तो 3 कैनाल्स रहती है। तीनों जड़ों को अच्छे से पैक करके हम लोग फिल कर देते हैं। इसमें हम लोग पहले 2 एक्सरे निकालते हैं, एक ट्रीटमेंट के पहले, ये देखने के लिए कि इन्फेक्शन किस लेवल तक गया है, दूसरा क्लीन करते वक्त कि हम लोगों ने प्रॉपरली क्लीन किया कि नहीं, और थर्ड ये श्योर करने के लिए कि अब हमने अच्छे से भर दिया कि नहीं, ताकि हम आपको एश्योरेंस दे सकें कि अब आपका ये दांत 10 साल तक चलेगा। अभी नॉर्मल रूट कैनाल में एक और न्यू चीज़ आई है जिसको हम लोग एडवांस रूट कैनाल बोलते हैं। इसमें हम लोग नॉर्मल जैसे हम पहले हैंड फाइल से यूज़ करते थे, अभी हम लोग मशीन में प्रोटेपर्स बोलते हैं, प्रोटेपर वगैरह यूज़ किया जाता है एंथोगियर की मशीन से, ताकि हम लोग श्योर रहते हैं कि हमने दांत को थरली क्लीन कर दिया एंड नाउ इट इज़ रेडी कि अब आपको 10 साल अच्छे से खाने में हेल्प कर सके। ओके, इसको मैं आपको एक इस तरीके से भी दिखाऊंगी कि ये दांत है, इसमें अगर आपका कीड़ा लग जाता है तो ऐसे रेड कलर का इन्फेक्शन दिखता है, ताकि हम लोग इसको फिर हम लोग ट्रीट कर सकें। इस तरीके से पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब हमने रूट कैनाल तो कर दिया, मतलब नीचे तक जड़ तक दांत साफ कर दिया, उसको फिल कर दिया, लेकिन हम वापस से अभी आपका ब्लड सप्लाई नहीं चालू कर सकते। मतलब इसको हमने बचा तो दिया लेकिन आपके खाने से वो अभी भी टूट सकता है। तो रूट कैनाल के बाद कैप करना बहुत ज़रूरी है। कैप करने के बाद ही उसमें उतनी ताकत आती है कि आपके जो जबड़े का प्रेशर है, खाते वक्त जो अपना प्रेशर आता है, वो दांत सेंड कर सके। इसलिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट बिना कैप के कंप्लीट ही नहीं होता। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज ऑलवेज विथ कैप। ओके, अब इसमें आपको 2 वैरायटीज के कैप मिलते हैं, एक ऐसा जिसको हम लोग नॉर्मल एक लैंग्वेज में मेटेलिक कैप बोलते हैं, आजकल दादा लोग दांत की तरह पसंद करने लगे हैं, तो उसमें सिरेमिक की कैप भी आती है। दोनों की स्ट्रेंथ लगभग सेम है, लाइफ सेम है, लेकिन देखने का फर्क होता है कि ये मुंह खोलते हैं स्टील जैसा लगता है और ये सिरेमिक ज़्यादा दांत की तरह लिखता है। तो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द कैप्स। ठीक है, तो इस तरीके से रूट कैनाल का ट्रीटमेंट 3 विजिट्स में हो जाता है और एक बार अच्छे से अगर आप रेगुलरली विजिट्स में ट्रीटमेंट कराते हो तो 10 ईयर्स प्लस, लेकिन ये दांत बहुत अच्छा चलता है। आप इसको नेचुरल दांत की तरह क्लीन रखो, नेचुरल दांत की तरह आप सब कुछ खाओ और आपको वो फीलिंग भी नहीं रहती कि मैंने कहीं पर कैप बिठाया। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। दूसरी चीज़, ये ट्रीटमेंट जितनी बड़ों में कॉमन है उतनी अभी बच्चों में भी है। बच्चों की जो दाढ़ी रहती है वो 2 साल तक आ जाती है, उस वक्त बच्चे बहुत मीठा खाते हैं और उतना गागल्स और ब्रश नहीं करते,
तो ये ट्रीटमेंट बच्चों में भी की जाती है, बिकॉज ये जो उनके दाढ़े हैं जो दूध के आते हैं 2 साल में, उनको 10 साल तक चलानी पड़ती है जब तक नए दाढ़े नहीं हैं। तो बच्चों में भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट उतना ही ज़रूरी है जितना बड़ों में। तो बेसिकली अभी अगर आपका दांत दुखता है तो निकालने से पहले एक बार रूट कैनाल का ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू। मित्रांनो, हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। यापुढे जर आपले आरोग्यविषयक काही प्रश्न, शंका, सूचना किंवा अभिप्राय असतील तर या व्हिडिओच्या खाली कॉमेंट करा। त्याचबरोबर या व्हिडिओला लाईक शेअर जरूर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। धन्यवाद।